जी जनाब, क्या पहनेंगे आज? आज मौसम बहुत खूबसूरत है। मौसम की तरह का कोई खूबसूरत सा कलर निकाल दो। ये जरा शायरी ना कम किया करो। अच्छी अच्छी सुबह है, कोई मीठी बात, कोई अच्छी बात। ठीक है, शरीन। अरे ये क्या? ना तुम्हें याद था ना मुझे। मुझे क्या याद नहीं था? आज हमारी शादी को पूरे 20 साल हो गए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ओ आई सी। अरे उसे ऊपर बुलाओ, बुलाओ उसे ऊपर। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आई लाइक इट बाबा की जान। बस जल्दी से ऊपर आ जाओ। शाबाश। साबरा, जिस तरह इन फूलों की रंगत और खुशबू मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूं ना, उसी तरह 20 साल से तुम्हारी मोहब्बत मेरे इर्द गिर्द फैली हुई है, जो हर लम्हा हर पल हर साथ में महसूस करता हूं। कैसा? अच्छा बस करो ना, सायरा आने वाली है। यस। हैप्पी एनिवर्सरी मामा। थैंक यू बेटा। फॉर यू मामा। हैप्पी एनिवर्सरी बाबा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बेटा ये तो बताओ कि तुम मुबारकबाद देने की नए नए तरीके कहाँ से सोच लेती? बाबा आपकी बेली हूँ ना। शाबाश। बाबा आज आप ऑफिस ना जाए ना। बेटा ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। बाबा एक दिन की भी छुट्टी नहीं कर सकते, प्लीज बाबा फॉर मी। बाबा की जान, देखो पता नहीं तुम्हें मुझसे डर लगता है या नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे दादा जान से मुझे बहुत डर लगता। अच्छा ऐसा करते हैं कि शाम में कहीं चलते हैं, ढेर सारी शॉपिंग और बहुत अच्छा खाना। ओके ओके मामा, इतना मजा आएगा। मामा यू नो व्हाट, आपके लिए बाबा के लिए मैंने इतना प्यारा गिफ्ट लिया है, लेकिन आई विल गिव यू अ सरप्राइज। ओके मामा। बेटा अल्लाह ने हमें इतना प्यारा सा गिफ्ट दिया और हमें क्या चाहिए? बाबा। अरे सफिया बेगम, तुम क्या कर रही हो? अरे तुम शैतान को याद ना भी करो, तब भी आन मौजूद होता है। ऐसे ही हूँ जैसे छोड़ा था। कहाँ जा रहे थे तुम? कैसी हो? मैं वैसी हूँ। वैसी? ठीक है, इन्हें फैक्स कर दो और शर्जीत साहब को अंदर भिजवाओ। राइट सर।
और हाँ वो कॉफी भी लेते आना। राइट सर। जी बाबा बैठो। गौहर ट्रेडिंग को आखिरी नोटिस भिजवा दिया है मैंने। जी मुझे बाकरी साहब ने बताया। ये तुम बिजनेस आखिर कब समझोगे? ये काम पिछले हफ्ते हो जाना चाहिए था। सॉरी बाबा आइंदा ख्याल रखूंगा। अच्छा ये कोटेशन देख लो। कल की टेंडर ओपनिंग बहुत अहम है हमारे लिए, किसी एतमाद के आदमी को भिजवाना। जी बेटा। और कुछ बाबा? तुमने सायरा को इतनी छूट क्यों दे रखी है? मैंने सुना है वो किसी औरत के लिए चंदा करती फिर रही है। भाई ये क्या नॉनसेंस है? बाबा वो अकेली नहीं है, उसके साथ और भी लड़कियां हैं। वो क्या है कि वो एक औरत को उसके रिश्तेदारों ने जला दिया है, उसके लिए। तो सेठ करीमुद्दीन की पोती 10-10 रुपए के लिए लोगों के सामने हाथ फैला रही है। उसे 10-20 हजार दे दो और आइंदा मैं कोई ऐसी बात ना सुनूं। बाबा वक्त बदल गया है। वो एक नेक मकसद के लिए कुछ कर रही है तो उसे कुछ। वक्त कभी नहीं बदलता, इंसान बदल जाता है बरखुरदार। बहरहाल मुझे ये सब पसंद नहीं है, उस पर निगाह रखो। हमारे खानदान में औरत को एक हद तक आजादी दी जाती है। अल्लाह बख्शे तुम्हारी मां को, बुढ़ापे में भी कार में पर्दे लगवाकर बाहर जाया करती थी। मैं औरत के मामले में जरा और किस्म का आदमी हूं, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। जी आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा बाबा। और सुनो, इस मुश्ताक को जरा समझाओ कि वक्त की पाबंदी किया करे, तुमसे ताल्लुकात का नाजायज फायदा ना उठाए। जी जी बेहतर बाबा। देखो सफिया बेगम, अच्छा बुरा जैसा भी था, कुछ वक्त हमने साथ गुजारा है, खुल के बात करो। तुम जानते हो मैं किस किस्म की औरत हूं, हालात का रुख देख कर चलती हूं, इसीलिए कामयाब रहती हूं। हाँ ये तो है। अरे सोना नवाब, अरे तुम अभी तक जिंदा हो? तुम्हें अगर सफिया बेगम लाई है तो बेवकूफ है, और अगर तुम खुद आए हो तो बहुत बड़े बेहया हो। लक से कख हो गए पर जबान की काट नहीं गई। तुम जाओ अपना काम करो, हम जरूरी बात कर रहे हैं। इस दफा तुम कोई मोटी असामी ला कर दो, 2 लाख रुपया दूंगी। 2 लाख? नहीं 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 सफिया बेगम, क्यों मजाक कर रही हो? अच्छा ये लो 50,000 रुपए एडवांस, तुम काम करा दो। जिस रोज आसामी घर में कदम रखेगी बाकी का 1.5 लाख उसी दिन दे दूं। लो सफिया बेगम, यार भी अब तुम्हारे लिए जान लड़ा देंगे। कोई है तुम्हारी नजर में? एक इस शहर के रईसों में से एक है, है। तो वो शादीशुदा है। शादीशुदा? तुम्हें याद है हमने नौशाबा की 2 शादियां शादीशुदा आदमियों से करवाई थी। हाँ लेकिन इस बार शायद ये काम इतनी आसानी से ना हो सके। अपना भाव बढ़ा रहे हो तुम? अरे नहीं नहीं सफिया बेगम,
दरअसल वो अपनी बेटी और अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता है। मर्द की मोहब्बत मकड़ी के जाले की तरह होती है, खुशनुमा, लेकिन हर लम्हा टूटने को तैयार। इसे देखा है मुश्ताक? इस हुस्न के सामने कोई ठहर सकता है? कहती तो तुम सच हो सफिया बेगम, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। पैसों के मामले में मैं बहुत हकीकत पसंद हूं, जानती हो ना। बजे से फोन कर रहा हूँ, कोई उठाता ही नहीं। इस वक्त भी जल्दी जल्दी ये मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ क्योंकि बूथ के बाहर लोग मुझे घूर भी रहे हैं, और अगर मैंने ज्यादा देर लगा दी तो ये मुझे उठाकर बाहर फेंक देंगे। तुम कैसी हो और इस वक्त कैसी लग रही हो? जी चाहता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आ जाऊं, लेकिन अम्मी अब्बू की डांट से डर लगता है। सोच रहा हूँ वक्त गुजारने के लिए एक मंगनी यहाँ भी कर लूं। और हाँ सुनो, बड़ी मुश्किल से एक शेर याद किया है, सुनाऊं? अच्छा सुनो। उसकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, सोने वालों की तरह जागने वालों जैसी। आखिर करना क्या चाहते हो उस लड़की का? क्या वो इतनी बड़ी हो गई है कि जो उसके जी में आएगा करती फिरेगी वो? क्या हुआ बाबा? इंटरव्यू छपा है साहबजादी का, और वो भी तस्वीरों के साथ। अंकल बचपन है अभी, और वो भी अपने तौर पर एक कॉज के लिए। देखो साबरा, मुझे ये सब बकवास पसंद नहीं है। ये सोशल वर्क, ये कॉज, ये पेट भरी बेगमात के ठकोसले हैं सब। देखिए ना बाबा, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? उसे कहो कि अपनी तालीम पे तवज्जो दे, अभी से लीडरी के शौक में ना पड़े। वैसे उसने पूछा था तुमसे इन तस्वीरों और इंटरव्यू से पहले, और तुमने इजाजत दे दी। क्या मैं इस घर में नहीं रहता? मैं बड़ा नहीं हूं इस घर का, जो मुझसे पूछना जरूरी नहीं था? आओ आओ, तुम्हारी ही तारीफ कर रहा हूं मैं, ये क्या करती फिर रही हो तुम? जी मैं किससे पूछकर तुमने अखबार में तस्वीर और इंटरव्यू छुपाया? किससे पूछकर? तुम जानती हो कि तुम्हारे दादा जान को ये सब पसंद नहीं है, फिर आखिर चाहती क्या हो तुम? बाबा मैं क्या बाबा बाबा लगा रखी तुमने? आइंदा मैं इस किस्म की शिकायत ना सुनूं, समझी तुम? और फिर तुम्हारी वजह से अंकल हमें भी डांटते हैं।
बस करो बस करो, तुम दोनों आखिर चाहते क्या हो? बहुत हो चुका बेटी, जरा एहतियात करो, अपनी तालीम पे तवज्जो दो, ठीक है? शुक्र है। अरे दिखाओ सी, इंटरव्यू में क्या कहा, तस्वीर कैसी छपी है मेरी बेटी की, जल्दी जल्दी दिखाओ। डांट तो वो जो पिट गई। अरे माशाल्लाह कितनी प्यारी लगी हमारी बेटी। कहाँ रह गए थे तुम भाई, मुझे तो फिक्र होने लगी थी। अजीब है, बता तो देते तुम। जहे नसीब, तुम्हें मेरी भी फिक्र हुई। सफिया बेगम, 50,000 तुम्हें चैन नहीं लेने दे रहे। अच्छा ये बताओ, तुमने मेरे काम का क्या किया? मैंने जाल फैला दिया, आज उसे बुलाया। तुम्हें तो पता है ना कि तुमने क्या कहानी सुनानी है। हाँ याद है मुझे। घर का जरा साफ सुथरा कर लेना, बड़ा लिफाफत पसंद आदमी है वो। अच्छा ठीक है भाई, और कुछ? और कुछ तो तुम्हें या तुम्हारी फितना आलम ने करना है। मुश्ताक मुश्ताक, बड़े खबीस हो तुम। बड़े छोटे की शर्त ना रखो, सिर्फ खबीस ही काफी है। तुम यहां खड़ी हो, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें बाहर जाना है। मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ।